हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूट्रिशन 99 में। दोस्तों, आजकल हर कोई चाहता है कि मेरी अच्छी बॉडी हो, चौड़ी छाती, बाजुएं मोटी और जांघें मजबूत हों, जिससे कि आपको कपड़े पहने हुए भी अच्छे लगे और चार लोगों में खड़े हुए आपकी पर्सनैलिटी अलग नज़र आए। तो अगर आप भी अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों, अगर अच्छी बॉडी हो तो पर्सनैलिटी भी अच्छी लगती है। तो अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको ये चीज़ें फॉलो ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि खाते पीते तो बहुत हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी नहीं बनती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें खाने पीने का अच्छे से पता नहीं। प्रोटीन कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना लेना है, कब खाना है, खाने का टाइम क्या है, ये कुछ भी उन्हें नहीं पता। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन सी चीज़ें कब खानी है। दोस्तों, बॉडी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है प्रोटीन। दोस्तों, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी होगी तो आपके मसल नहीं बनेंगे। दोस्तों, लोग कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगी गेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो लोग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो बॉडी बनाना बहुत आसान है। आपको प्रोटीन के सोर्स आसानी से मिल जाएंगे, दालें मिल जाएंगी, अंडे खाइए, चिकन अगर खा सकते हैं, नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज भी खा सकते हैं। आपको प्रोटीन के बहुत अच्छे अच्छे सोर्स मिल जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सप्लीमेंट खरीदने ही है। प्रोटीन अच्छा होगा तो आपके मसल भी जल्दी से बढ़ेंगे और स्टैमिना भी बढ़ेगा। दोस्तों, एक दिन में अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो 1.5 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग ज़रूर लेना चाहिए। मान लीजिए अगर आपकी बॉडी का वेट 60 किलो है तो आपको 80 से 90 ग्राम प्रोटीन डेली ज़रूर लेना चाहिए, तभी आपकी बॉडी बढ़ेगी। अगर आप 60 से कम ले रहे हैं, 60 ग्राम से कम ले रहे हैं, तो वो आपकी डेली डाइट में ही निकल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें हमारे अनाज से मिलते हैं, जो कि बॉडी को स्टैमिना देते हैं और बॉडी को बनाने में मदद करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूर खाइए, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अगर खाएंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसमें आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, आटे की रोटी खा सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड खा सकते हैं, केला और शकरकंदी, इसे अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। यह भी वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर आपका वेट कम है तो इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। दोस्तों, जब हम बॉडी बनाना लगते हैं, अगर आप ओवरवेट हैं तो कहते हैं कि फैट को कम कर दें। फैट को लेकिन कम करें, लेकिन इतना भी ना कम ना कर दें कि आपको कमज़ोरी आ जाए। आपको हेल्दी फैट खाने चाहिए, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड खाइए। सुबह भीगे हुए बादाम को अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि फैट भी बहुत ज़रूरी है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, तो ये आपको एनर्जी देती हैं। तो अगर आप फैट ज़्यादा खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, इसलिए हेल्दी फैट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। बादाम, अखरोट, पीनट बटर को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आजकल पीनट बटर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। अच्छा पीनट बटर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी डाइट में हमेशा फाइबर भी ज़रूर ऐड करें। रोज़ फ्रूट्स खाएँ, फ्रूट जूस पिएं, रोटी वगैरह ज़रूर खाएं। अगर फाइबर नहीं डाइट में होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कि विटामिन और मिनरल को कुछ मानते ही नहीं, वो कहते हैं कि इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो भी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाए तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, खून नहीं बनेगा जिससे कि हमें एनर्जी मिलेगी। तो मल्टीविटामिन ज़रूर लें। अगर मल्टीविटामिन नहीं ले सकते तो फ्रूट वगैरह ज़रूर खाएं। तो दोस्तों, ये तो प्राइमरी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं। मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा कि आपको अपनी बॉडी बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।